अरशद वारसी और संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई 3 लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल जब से अरशद वारसी ने मुन्ना भाई 3 को कंफर्म करते हुए ये कहा था कि जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, तब से फैंस मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। लेकिन अरशद की इस अनाउंसमेंट के बाद ही फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी पर उनकी फिल्म संजू की असिस्टेंट डायरेक्टर ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया और इसके बाद मुन्ना भाई 3 को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल फिल्म के मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने मुन्ना भाई 3 पर बात करते हुए कहा है कि इस साल के एंड तक फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल हाल ही में विधु विनोद चोपड़ा अपने बैनर तले बनी फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के सिलसिले में मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि साल 2019 के एंड तक मुन्ना भाई 3 शुरू हो जाएगी। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमने अभी तक मुन्ना भाई 3 शुरू नहीं की क्योंकि हमारे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं थी। हालांकि अब हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक हम मुन्ना भाई 3 को शुरू कर देंगे। फिलहाल बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो इसमें संजय दत्त और अरशद वारसी का रोल तो लगभग तय है, लेकिन इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि इस बार इस फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस मुन्ना भाई का साथ देती नजर आएगी। तो अब आप इस फिल्म को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।